तो क्या हालचाल है भाई लोग, आज हम द साउथ कोरियन बॉय बैंड BTS की स्टोरी जानेंगे कैसे वो इतने सक्सेसफुल हुए। इनके बहुत फैंस है और उतने ही हेटर्स भी। यूजुअली अपना चैनल एक हिप हॉप हब है, बट मैं चाहता हूँ कि हम और भी जॉनरा के आर्टिस्ट के बारे में जाने ताकि एक ओवरऑल नॉलेज मिले। एंड एट द एंड हिप हॉप इज ऑल अबाउट एवोल्यूशन। BTS ऐसा एक कोरियन बॉय बैंड है जिन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं, इवन इनका नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। इस वीडियो में हम BTS की स्टोरी के साथ साथ आगे हम डार्क एंड नेगेटिव साइड ऑफ K-pop इंडस्ट्री के बारे में भी जानेंगे, जो कि काफी सैड है, क्योंकि जो चीज बाहर से जितनी सुंदर होती है अंदर उतना ही संघर्ष होता है। ये सब आगे हम डिस्कस करेंगे। यूजुअली BTS की फीमेल फैंस बहुत ज्यादा है। आपको एक फनी इंसिडेंट बताता हूँ कि एक जमाने में अपनी एक क्रश थी, तो वो BTS की स्टोरी हर 4 दिन में डालती थी और मेरे को तब इतनी चिढ़ होती थी कि क्या बताऊँ। बट समय आगे बढ़ा और रियलाइज हुआ कि ये बंदे भी मेहनत से आगे आए हैं। तो भाई लोग, हेट करना बहुत सिंपल है, बट अप्रिशिएट करना इज द हार्डेस्ट थिंग। WWE सुपरस्टार जॉन सीना ने भी बोला था कि वो BTS के बॉडीगार्ड बनना चाहते हैं साउथ कोरिया में, जो BTS पे फैन अटैक हुआ था उसके बाद। No, I really am a fan of BTS. You really are. What is it you love about? I became interested in the fact that like they're BTS is generation ke sabse bade boy band hai. To guys, agar aap channel pe naye ho to bata dun, main aapko ye apna jo channel hai wo ek hip hop hub hai. Artist ki biography se leke hip hop se related har ek content ke upar hum video banate hain. Tupac, XXXTentacion, Juice WRLD, Wiz Khalifa sab ki biography humne cover kiya hai. Un sab videos ki link main description mein dal dunga. Aaj apna video do section mein divide hoga. BTS ki story, then ek underground artist ko shout out dunga jo ki hai Nitish Music. Inka naya gana Problems release ho gaya hai. बहुत ही डोप गाना है, चेक मारना है, लिंक मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। तो चैनल का इंट्रो करते हैं रोल और शुरू करते हैं हम BTS की कहानी। तो ये कहानी शुरू होती है साल 2010 और 2011 के बीच में, जब प्रोड्यूसर बैंग सी हयुक और बिग हिट एंटरटेनमेंट, जो कि साउथ कोरिया की एक एंटरटेनमेंट कंपनी है, वो लोग ऑडिशन कंडक्ट करते हैं एक बॉय बैंड फॉर्म करने के लिए। सो बैंग सी हयुक और बिग हिट एंटरटेनमेंट के माइंड में ऑलरेडी एक प्लान था कि एक नया सेंसेशन लेके आना है म्यूजिक में, और वो वेल प्लान्ड एंड रेडी थे एक अच्छे स्टार्टअप के लिए। अपने ऑडिशन के दौरान बैंग सबसे पहले आरएम से मिलते हैं और वो उनके टैलेंट से काफी इंप्रेस हुए। आरएम सबसे पहले सेलेक्ट हुए थे ग्रुप के लिए, एंड देन उसके बाद ऑडिशन के एंड तक 7 लड़के फाइनल कर दिए थे। और वो 7 लड़के थे आरएम, जिन, सुगा, जेहोप, जिमिन, वी एंड जंगकुक। और इस तरह फाउंडेशन यानी नींव रखी जाती है BTS बॉय बैंड की। BTS नाम एक कोरियन एक्सप्रेशन से आया है जो है बैंगटन सोनियो डोंग, जो कि शॉर्ट में बैंगटन बॉयस बना, जिसका मतलब है बुलेट प्रूफ बॉय स्काउट। बट आगे चल के BTS ने यह अनाउंस किया था कि BTS एक और चीज रिप्रेजेंट करता है जो है बियॉन्ड द सीन। तो गाइस, अब हम सारे मेंबर्स के बारे में कुछ फैक्ट्स जानेंगे। पहले बंदे हैं आरएम, जिनको इस ग्रुप का लीडर मानते हैं, एंड ये एक रैपर और सॉन्ग राइटर है, और उनका स्टेज नेम पहले रैप मॉन्स्टर था, बट फिर इसको शॉर्ट करके आरएम कर दिया। आरएम का असली नाम किम नाम जून है। इनका जन्म हुआ था सितंबर 12, 1994 सियोल साउथ कोरिया में। बहुत ही छोटी उम्र से वो फ्रेंड सीरीज वगैरह देखते थे, सो इस तरह उनकी इंग्लिश काफी फ्लुएंट हो गई थी। यही नहीं, आरएम पढ़ाई में भी काफी अच्छे थे और उनका IQ लेवल 148 है, जो कि बहुत ज्यादा है, और नॉर्मल इंसान का IQ 85 से लेके 115 के बीच में रहता है यूजुअली। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत रैपिंग से किया था और शुरुआती दिनों में इनका स्टेज नेम था रैंच रैंडा। हाय गाइस, माय नेम इज वी, I'm good boy. फिर है वी, जिनका असली नाम है किम टाई हंग। इनका जन्म हुआ था 30 दिसंबर 1995 सियोल डिस्ट्रिक्ट साउथ कोरिया में। ये एक सॉन्ग राइटर, वोकलिस्ट और प्रोड्यूसर है इस ग्रुप में। वी के पेरेंट्स फार्मर है और इनके एक छोटे भाई और बहन भी है। इवन तो वी के घर में फाइनेंशियल दिक्कतें थी, बट उनका चाइल्डहुड काफी हैप्पी था। वी को बहुत कम उम्र से ही म्यूजिक में इंटरेस्ट था और उनका टेस्ट क्लासिकल और जैज म्यूजिक में ज्यादा था। बहुत सारे अमेरिकन और कोरियन सिंगर्स को वो अपना आइडल मानते थे और 12th class में वो सैक्सोफोन वगैरह बजाते थे। वी 2014 में कोरियन आर्ट स्कूल से पास आउट हुए और आगे चल के ग्लोबल यूनिवर्सिटी में वो एनरोल हुए थे। अब है सुगा, जिनका असली नाम है मिन युंग जी। इनका जन्म हुआ था मार्च 9, 1993 में बुक डिस्ट्रिक्ट साउथ कोरिया में। ये BTS के एक लीड रैपर है। 13 साल की उम्र में सुगा पढ़ाई के साथ साथ गाने वगैरह भी लिखने लग गए थे और एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में पार्ट टाइम जॉब भी करते थे, तो वो उस माहौल में नेचुरली रैप और परफॉर्म करना सीख गए थे, और इस तरह से उनके करियर की शुरुआत होती है एज एन अंडरग्राउंड रैपर। इनका स्टेज नेम पहले ग्लॉस था और ये BTS के लिए ऑडिशन देने से पहले एक अंडरग्राउंड रैप ग्रुप का हिस्सा थे, जिसका नाम था डी टाउन। सुगा हमेशा से एक रिबेल रहे हैं और वो खुल के LGBTQ कम्युनिटी को भी सपोर्ट करते हैं, एंड मीनवाइल वो डिप्रेशन के भी शिकार है।
your Hope, you're my Hope, I'm J-Hope. Hope right here. फिर है जे होप जिनका असली नाम है जंग हो सियोग। इनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1994 में। ये एक रैपर सिंगर और मेन डांसर है BTS में। इनकी दो बड़ी बहनें भी है और ये बचपन से ही इतने एक्टिव नहीं थे, बस इनको टेनिस खेलना अच्छा लगता था बचपन में और इनको डांस में फिर इंटरेस्ट आया आगे चल के और बहुत सारे प्राइजेस वगैरह जीते इंक्लूडिंग नेशनल डांस अवार्ड। डांस के साथ साथ जे ने रैपिंग और सॉन्ग राइटिंग में भी अपना हाथ आजमाया। BTS के लिए ऑडिशन देने से पहले ये एक डांस क्रू में थे जिसका नाम था न्यूरॉन। अब है जिन, जिनका असली नाम है किम सियोक जिन। इनका जन्म हुआ था December 4th, 1992 में। ये एक वोकलिस्ट है और वन ऑफ द मोस्ट लाइक्ड पर्सन है पूरे बैंड में। जिन सबसे सीनियर है एज वाइज पूरे ग्रुप में। जिन के बड़े भाई ने इनको इंट्रोड्यूस करवाया था हिप हॉप म्यूजिक से जब जिन छोटे थे और इस तरह उन्हें इंटरेस्ट आया म्यूजिक में। BTS ज्वाइन करने से पहले उनको हमेशा से एक पुलिस डिटेक्टिव बनना था। जिन एक बहुत सक्सेसफुल फैमिली से बिलोंग करते हैं और ये फिल्म स्कूल में पढ़े हैं। फिर है जिमिन, इनका असली नाम है पार्क जी मिन। इनका जन्म हुआ था October 13, 1995 बुसन साउथ कोरिया में। ये इनकी फैमिली के सबसे बड़े बेटे हैं और इन्होंने बिजनेस स्कूल भी अटेंड किया है स्टडीज में। इनको बचपन से ही डांस में काफी इंटरेस्ट था और सिंगिंग भी करते थे। ये जब कोरियन आर्ट स्कूल में थे तब इन्होंने ऑडिशन दिया था BTS के लिए। Hi, my name is Jungkook. Thank you for inviting us. अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट है जंगकुक, जिनका असली नाम है जियोन जंगकुक, जो कि एक डांसर रैपर और सिंगर है BTS में। इनका जन्म हुआ था 1 सितंबर 1997 बुसन साउथ कोरिया में और जंगकुक ग्रुप में सबसे यंगेस्ट मेंबर है। ये ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट है और बाकी मेंबर्स की तरह ये भी बचपन से ही डांस और म्यूजिक में काफी इंटरेस्टेड थे। 13 साल की उम्र में इन्हें लॉस एंजलिस भेजा था ताकि ये एक डांस ट्रेनिंग सीख सके और इस तरह ये एक बहुत प्रोफेशनल डांसर बने। बट बचपन में ये काफी क्वाइट किड थे एंड इन्होंने BTS के लिए ऑडिशन दिया था एंड इन्होंने बैंड 2013 में ज्वाइन कर लिया था ऑफिशियली। तो गाइस ये थे BTS के 7 मेन पिलर्स। बिग हिट एंटरटेनमेंट ऑलरेडी एक सक्सेसफुल कंपनी थी एंड पहले से ही ये एक बॉय बैंड 2AM को हैंडल कर रहे थे। बट समहाउ 2AM का क्रेज थोड़ा कम हुआ और कंपनी ने एक नए जनरेशन की बैंड बनाने के लिए इनिशिएटिव लिया और ये एक नए बैंड के लिए ऑडिशन कंडक्ट करने लग गए थे 2010 और 2011 के बीच में एंड फाइनली इस ग्रुप का नाम था BTS। 2012 तक पूरे मेंबर्स सेलेक्ट हो गए थे इस ग्रुप के लिए एंड 2013 में BTS ने अपना पहला डेब्यूट हिट सॉन्ग निकाला जो था नो मोर ड्रीम्स और इस तरह ये फेमस हुए एंड इनका टू कूल फॉर स्कूल जो प्रोजेक्ट था वो भी काफी हिट हुआ और ये एक सेंसेशन बन चुके थे साउथ कोरिया में 2015 आते आते। अभी तक BTS 8 स्टूडियो एल्बम्स, 6 कंपाइलेशन एल्बम्स, 11 सिंगल्स और 7 मिनी एल्बम्स निकाल चुके हैं और BTS काफी ज्यादा वर्ल्ड वाइड टूर्स भी करते हैं और इनके बहुत ज्यादा फैंस भी है और इनके कॉन्सर्ट के लिए BTS आर्मी काफी पागल रहती है, मींस बहुत ज्यादा चाहते हैं इनके फैंस इन्हें। 8 मिलियन से ज्यादा एल्बम सोल्ड कर चुके हैं अभी तक BTS और इनका स्टारडम रोज ऊपर जा रहा है जब से इनकी एंट्री हुई है सीन में। ऐसा नहीं कि इन लोगों ने कभी स्ट्रगल नहीं किया है, एक टाइम पे ये लोग रिक्वेस्ट करते थे लोगों से अपने शो में आने के लिए और अभी इनके कॉन्सर्ट के टिकट्स के लिए काफी लंबी लाइनें लगती है। उनका जो सबसे पहला वायरल सॉन्ग था जिससे उनको एक ग्लोबल आउटरीच मिला था वो था आई नीड यू। उनका सॉन्ग डायनामाइट और भी कई सॉन्ग्स US बिलबोर्ड चार्ट्स पे टॉप कर चुके हैं। YouTube पे BTS ने कई रिकॉर्ड्स ब्रेक किए हैं। BTS का लेटेस्ट सॉन्ग बटर जो है वो एक दिन में 129 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुका है। ऐसा नहीं कि वो लोग सिर्फ अपने लुक से चलते हैं, उनके लिरिक्स भी काफी मीनिंगफुल है और BTS का इंपैक्ट बहुत ज्यादा है एंड लोग एडिक्टेड हो जाते हैं इनसे। यही थी जर्नी BTS की अब तक। अब बात कर लेते हैं कुछ डार्क साइड ऑफ K-pop इंडस्ट्री के बारे में। K-pop इंडस्ट्री बाहर से जितना अच्छा दिखता है उतना ही अंदर से स्ट्रिक्ट है। आर्टिस्ट को ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पड़ते हैं जिसमें वो क्या पहनेंगे, क्या करेंगे, क्या खाएंगे, ये सब ऑलरेडी डिसाइडेड रहता है। उनके डांस और वीडियोस में वो इतने परफेक्ट इसलिए है क्योंकि सुबह से शाम तक वो सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं एंड खाना भी एकदम लिमिटेड देते हैं उनको ताकि उनका वजन ना बढ़े और इस तरह आर्टिस्ट कई बार स्टेज में चक्कर खा के गिर जाते हैं और इसको भी वहां की कंपनीज पब्लिसिटी बेनिफिट बना लेती है। एक आर्टिस्ट की पर्सनल लाइफ से लेकर प्रोफेशनल लाइफ तक सब पे कंट्रोल रहता है उस कंपनी का जिस कंपनी के पास उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन रहता है। गाइस मैं केवल एक स्पेसिफिक आर्टिस्ट या बैंड की बात नहीं पूरे K-pop इंडस्ट्री की बात बता रहा हूँ। इवन अगर आर्टिस्ट टैलेंटेड है और अच्छा नहीं दिखता है तो फटाक से उस आर्टिस्ट की प्लास्टिक सर्जरी कर देते हैं। इनफैक्ट साउथ कोरिया प्लास्टिक सर्जरी काउंट में सबसे आगे है वर्ल्ड में। तो यही सब था गाइस K-pop इंडस्ट्री का डार्क साइड। सो अपने आर्टिस्ट जितने बाहर से खुश दिखते हैं उतने ही अंदर से भी हैप्पी है क्या, ये सवाल आप लोग के ऊपर मैं छोड़ता हूँ, अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। सॉरी गाइस अगर कोई भी नाम मैंने गलत प्रोनाउंस कर दिया हो तो खुद साउथ कोरियन एक्सेंट बहुत ज्यादा हार्ड है एंड थैंक्स टू ग्लोरी जिन्होंने मुझे हेल्प करी ये वीडियो बनाने में। तो गाइस अब बारी है शाउट आउट की। आज मेरे एक फेवरेट आर्टिस्ट को शाउट आउट मिलेगा। अगर आप सेक्टर एक्स को फॉलो करते हो तो आपको मालूम होगा कि ये बंदा कितना डोप है एंड सेक्टर एक्स फैमिली के ये पसंदीदा आर्टिस्ट है। जी हाँ, नीतीश म्यूजिक, इनका नया गाना प्रॉब्लम्स आ चुका है। मैं सभी लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनका ये गाना चेक मारना। भाई के हर गाने की तरह ये गाना भी एकदम फाड़ू है। दुआ करता हूँ ऐसे ही और भी इंटरनेशनल लेवल के आर्टिस्ट अपने इंडिया में हो। तो नीतीश भाई के इस गाने को सपोर्ट करना, कमेंट एंड शेयर भी करना। तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना। नीतीश भाई का ये गाना प्रॉब्लम्स लूप पे सुनना और मुझसे इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़ना। Bye bye, take care.